2019 में वसूली जा रही मनमानी फीस के विरोध में रविवार को कई संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से संविधान चौक में धरना आंदोलन किया गया। इस दौरान कई संगठनों द्वारा नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया। कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, जिसके बाद स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली गई। ऐसा कई संगठनों द्वारा रविवार को संविधान चौक पर आंदोलन करते दौरान कहा गया। इस संदर्भ में आंदोलनकारियों द्वारा अधिक जानकारी दी गई। कोरोना जो है मार्च से शुरू हुआ था, उस समय सभी स्कूलें अचानक बंद कर दी गई, सभी बच्चों को प्रमोटेड कर दिया गया। कोरोना के कारण कई महीने लॉकडाउन रहा, जिसके कारण सभी पालकों की आर्थिक हालत पूरी तरह खराब हो गई। और जब स्कूल में बच्चे गए नहीं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों ने वापरा नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई सरकार ने सितंबर के बाद चालू की, वो भी एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटे के लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए चालू की गई थी। जब हमारे ऑनलाइन पढ़ाई में लगने वाले सारे खर्चे हमारे हैं, मंत्री लोग हैं, राज्य के मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी है, हमारे विदर्भ से बच्चू कड़ू जी है, ये यदि एक अच्छा अध्यादेश निकालते हैं, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने एक अध्यादेश निकाला था कि फीस इतनी इतनी लेना चाहिए, ज़्यादा फीस नहीं लेना चाहिए, जिस प्रकार से हिमाचल और गुजरात सरकार ने भी एक अध्यादेश निकाला था कि फीस कितनी लेना चाहिए, पैंडेमिक के कारण स्कूल बंद है, बच्चे घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स के ऊपर घर में इंटरनेट का और बाकी भी बोझ बढ़ गया है, तो स्कूल का तो कोई खर्चा हो नहीं रहा, तो फीस कम लेना चाहिए। सरकार ने एक मई महीने में अध्यादेश निकाला था, जिसमें प्रशासन के ऊपर डाल दिया कि आप फीस कम कर सकते हैं। बता दें कि यह आंदोलन संयुक्त रूप से जागरूक पालक समिति, विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन, जय जवान जय किसान, आम आदमी पार्टी, विदर्भ राज्य अगाड़ी, लोक भारती, जागरूक पालक परिषद, लोक जागृति मोर्चा और नारायण पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से किया गया था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।